नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए तरह का एनिमेशन करेंगे। आज हम कैरेक्टर को झूला झुलाएंगे। स्विंग कैसे करते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आइए चलते हैं। यहाँ मैंने कुछ ग्राफिक्स पहले से ही बना के रखे हैं। तो जैसे झूले का स्टैंड है और उसकी जो कुछ रस्सियाँ हैं और एक कैरेक्टर जो मेरे पास पहले से अपना बना बनाया कैरेक्टर, इस कैरेक्टर के साथ मैंने कुछ एनिमेशन भी किए हैं। आप मेरे यूट्यूब पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो कैरेक्टर का सिंबल है, पूरे कैरेक्टर को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है ग्राफिक सिंबल बना करके, और ये रस्सियाँ हैं इसकी। तो इसको मैंने क्या किया है कि आप एक ऊपर रखी हैं, एक रस्सी को ऊपर वाले लेयर पर, और एक को मैंने नीचे रख दिया ताकि वो दोनों के बीच में आपका कैरेक्टर आ सके। स्विंग का जो एनिमेशन है वो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग कर सकते हैं। केवल तीन पोजेस हमें बनाना है इसमें। तो मैंने फर्स्ट क्या किया कि पर सेकंड 15 देन 30 पर, ऐसे तीन की फ्रेम मैंने ले लिए पहले। तो सबसे पहले एनिमेशन जो रस्सी है उसका हम करेंगे। आप जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिवट पॉइंट का सेट करना ग्राफिक एनिमेशन में या डिजिटल एनिमेशन में बहुत ज़रूरी होता है। तो सारे पॉइंट जो है मैंने प्रॉपरली पहले से लगा के रखे हैं और उसी के हिसाब से फ्रेम के अकॉर्डिंग इसको मैं सेट कर रहा हूँ। तो ये देखो, ये इस तरह से इसका एनिमेशन होगा। और अब इन्हीं तीनों पर हम लोग क्या करेंगे कि अपने कैरेक्टर को सेट करेंगे। तो कैरेक्टर चूंकि इसका ग्राफिक सिंबल बने हुए हैं सारे, इसके अलग अलग पीसेस हैं, इसको पिवट पॉइंट जो है वो भी मैंने सेट करके रखे हैं। ये किस तरह से करते हैं, यदि आपको यदि ये सीखना है तो मेरे चैनल पर ही आप इसको देख सकते हैं। मैंने अलग से इस पर एक वीडियो बनाया है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि उसको वहाँ बैठाएंगे तो उसके पैरों को फोल्ड करेंगे और हाथों को उस रस्सी के साथ अटैच करेंगे एक तरह से। तो वेरी सिंपल एनिमेशन। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट पोज। इसी को हम लोग कॉपी करके लास्ट में लेके जाएंगे। आप इस पोज का आप ध्यान रखो कि जो जिस तरह से पोज मैंने बनाई है सेम वैसी होगी, लेकिन इसका डायरेक्शन थोड़ा सा आगे की तरफ करूँगा मैं, मतलब बॉडी जो है थोड़ी सी इसके हाथ को सेट कर लेते हैं। आपको वो जो सिर जो रस्सियाँ है ना उसके साथ उसको अटैच करना है। तो पावर पॉइंट के हिसाब से इसको हम लोग सेट करेंगे। और बॉडी को थोड़ा सा आगे की तरफ झुकाएंगे। तो इसको नेक को भी सिलेक्ट करेंगे और फिर ये पॉइंट पर नीचे की तरफ लेकर उसको थोड़ा सा आगे की ओर झुकाएंगे अपन, और फिर हाथों को वापस से सेट कर लेंगे। तो फर्स्ट एंड लास्ट जो पोज है ऑलमोस्ट सेम है, बस केवल उसमें फर्स्ट में क्या होती है बॉडी थोड़ी सी पीछे की साइड में थी और यहाँ पर थोड़ी सी आगे की साइड में आ गई है। जो अभी इसी फर्स्ट फ्रेम को ही हम लोग बीच में रखेंगे 15 नंबर पर, और यहाँ पर इसके ना पैरों को खोल देंगे हम लोग।
और बॉडी को थोड़ा सा पीछे की तरफ अच्छी खासी पीछे झुका झुका देंगे ताकि वो फोर्स गेन कर सके आगे बढ़ने के लिए। अब ध्यान रहे कि आपको हाथों को चाहे जो भी पोजीशन हो आपको वो फील कराना है कि इसने रस्सी पकड़ी है, तो उसको वैसे ही सेट करना है अपने को कुल मिला करके। ये कोई बहुत क्लासिकल एनिमेशन नहीं है लेकिन यस आपको पूरा फील आ जाएगा कि किस तरह से स्विंग होना चाहिए। क्योंकि क्लासिकल एनिमेशन में तो बहुत बार जैसे बॉडी पीछे गई है तो आपको हेड को थोड़ा सा आगे की तरफ करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है। बॉडी को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, मामूली सा आई थिंक पैरों को भी थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा वो सिटिंग लगना चाहिए कि वो बैठा हुआ लगना चाहिए थोड़ा सा ऐसा। अब ठीक लग रहा है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ अब तीन फ्रेम तो हमने बना दिए, तीनों फ्रेम के बीच में हम लोग यहाँ ना क्लासिक क्लासिक तीन ट्विन डाल देंगे। इसको एक साथ सिलेक्ट करेंगे हम लोग, इसको लॉक हटा करके सारे लेयर को एक साथ सिलेक्ट करेंगे ऐसे, और राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन डाल देंगे। इसको आप यदि प्ले करके देखेंगे तो ये आपको देखो ये वन साइड ही जाएगा ऐसा, ये रिटर्न वापस नहीं आएगा। तो इसको देखो तो ये एक साइड में जाते हुए दिख रहा है लेकिन काफ़ी स्मूथली चल रहा है। फिर सारे फ्रेम को अब जैसे देखो मैंने थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए कुछ कुछ फ्रेम में कुछ दिक्कतें हो रही थी तो मैंने बीच बीच में थोड़ी सी एक एक की फ्रेम लगा करके उसको सही कर दिया मैंने टाइम बचाने के लिए। अब इसको सबको एक साथ सिलेक्ट करके अल्ट की प्रेस करके इसको हम लोग उसके आगे रख देंगे और इसको राइट क्लिक करके रिवर्स कर देंगे ताकि वो रिवर्स आते हुए भी हमें दिखे। और जहाँ अंदर जितनी फ्रेम है उतनी फ्रेम बाहर देंगे तो ये फाइनल आउटपुट हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। थैंक यू।